यार क्या मर्नस्टैक बिल्कुल ही डेड हो गया है, कोई जॉब और इंटर्नशिप नहीं लग रही है लोगों की, समझ नहीं आ रहा लोगों को कि यार मैं मर्नस्टैक की तैयारी करूं तो कोई जॉब लगेगी भी, स्पेशली एज अ फ्रेशर समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, बिकॉज अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो तैयारी कैसी होगी, प्रिपरेशन कैसी होगी। तो वो मोटिवेशन करने के लिए, तुम्हें सही डायरेक्शन देने के लिए मैंने 5 पॉइंट्स कवर करे हैं जो तुम्हें एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी देगा कि तुम्हें मॉडर्न वर्ल्ड में मर्नस्टैक डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। बहुत अच्छे से इन पॉइंट्स को ध्यान से सुन लेना, अच्छे से समझ लेना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा, तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी और तुम फिर अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो जिसमें से सबसे पहले पॉइंट पे हम एकदम से चलते हैं, जिसमें पहला पॉइंट इज कि यार हमें बच्चों वाले प्रोजेक्ट बनाने बंद कर देंगे। सबसे पहले ना हम लोग ये बहुत सोचते हैं कि यार भैया ये ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना दिया, सोशल मीडिया का प्रोजेक्ट बना दिया, मैं इतने सारे रिज्यूमे देखता हूँ, सब में कॉमन प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर ने कोर्स में प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वही अपना बनाए जा रहे हैं, सब लोग सेम प्रोजेक्ट छापे जा रहे हैं। यार इससे कुछ नहीं होगा, जब तक तुम्हारा एक सॉलिड प्रोजेक्ट नहीं होगा तुम शॉर्टलिस्ट नहीं होगे। सॉलिड प्रोजेक्ट का मतलब होता है उस प्रोजेक्ट के अंदर दिखना चाहिए कि इसमें हमने 5 से 6 फीचर्स डाले हैं जिनको एक्चुअली मेहनत करने में हमने 2 से 3 यूनिक चीज़ें डाली हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार अगर तुमने ट्विटर का क्लोन बनाया तो कुछ इंस्टा का स्टोरी टाइप का फीचर डाल दो, जो ऑनलाइन इतना आराम से अवेलेबल नहीं है, उन चीज़ों पे काम करो ना, उन्हीं से तुम सीखे भी होंगे और तुमने कुछ नई चीज़ डेवलप करी होगी। वो चीज़ जब तुम रिज्यूमे पे लिखोगे कि मैंने ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करी है, मैंने ट्विटर के अंदर क्लोन के साथ साथ मैंने ये फीचर्स ऐड करे हैं, तब तुम स्टैंड आउट हो। ये बात हमेशा ध्यान रखो कि बच्चों वाले प्रोजेक्ट से कुछ काम नहीं होगा। और AI का ज़माना आ गया, अब तो AI इंप्लीमेंट कर दो ना। मैं हर एक को बोलता हूँ कि यार इंस्टाग्राम का अगर तुम क्लोन बना रहे हो कुछ AI ऐड कर दो कि फोटो अपलोड करी और ऑटोमेटिक कुछ रिकमेंडेशन आ गया। ऐसी चीज़ें जब तुम डेवलप करोगे तो तुम एक मॉडर्न टाइप की डेवलपमेंट कर रहे हो, अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हो और बहुत अच्छे चांस है शॉर्टलिस्ट होने के, स्पेशली इन स्टार्टअप टाइप, बिकॉज उनको कुछ क्रिएटिविटी चाहिए होती है, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए होता है कि सुना और मज़ा आ गया और आगे चल के हमने इंटर्नशिप्स या जॉब्स ऑफर कर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, बच्चे वाले प्रोजेक्ट से ऊपर उठना शुरू करो। नेक्स्ट यार इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, यार 2 नई चीज़ें आई हैं मर्नस्टैक डेवलपमेंट में जो हमें मॉडर्न डे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है। वन इज Next.js एंड वन इज Tailwind CSS। देखो HTML CSS JavaScript करने से तो कुछ नहीं होगा, हमें React तो करना ही पड़ेगा या Angular या Vue.js, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ हमें फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क तो आना ही चाहिए। सिमिलरली बैक एंड में या तो Node.js या Java या फिर हमारा Django, कुछ भी आना चाहिए, बस हमें फ्रेमवर्क डेफिनेटली आने चाहिए। बट इसके साथ साथ ना आज की डेट में अगर SEO वाइज हम सोचें तो Next.js काफ़ी पॉपुलर हो गया है, Tailwind CSS ने काफ़ी काम आसान कर दिया, तो काफ़ी स्टार्टअप्स में Tailwind CSS यूज़ हो रही है। तो ये जो मॉडर्न चीज़ें इनको अपने साथ इंटीग्रेट करना शुरू करो। ऑब्वियसली पहले मर्नस्टैक डेवलपमेंट करो, बट उसके बाद जब प्रोजेक्ट बन गया तो उस प्रोजेक्ट में कैसे हम Next.js को छेड़ सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट में हम Tailwind CSS यूज़ कर सकते हैं, जितना तुम इसकी मॉडर्न डेवलपमेंट करोगे उतना तुम मॉडर्न स्टार्टअप्स में, अच्छे स्टार्टअप्स में काम कर पाओगे। वो लोग तुम्हें देखेंगे कि इस बंदे ने इस टेक्नोलॉजी में काम करा तो उसको ये सिखाना नहीं पड़ेगा। हमेशा उन चीज़ों पे फोकस करो कि कंपनी सोचे यार इसको ये सिखाना नहीं पड़ेगा, इसको ये ऑलरेडी आता है और वो तुम्हें एकदम हायर करेगी। हम लोग अपने प्रोपियर्स में ऐसे इंटर्न्स को हायर कर रहे होते हैं, मर्नस्टैक डेवलपमेंट तो आता है बट इसके अलावा क्या आता है, क्या उसको रिएक्ट नेटिव आता है, फटाफट एकदम हायर। कोई भी ऐसी स्किल जो एकदम आसानी से नहीं मिल रही है उसको एकदम पकड़ो और अपनी स्किल में डालो और डेफिनेटली तुम शॉर्टलिस्ट हो। तो इन चीज़ों में मैं ध्यान रखने को बोल रहा हूँ कि मर्नस्टैक डेवलपमेंट के साथ साथ Next.js और Tailwind CSS डेफिनेटली सीख लो, थोड़ा बूम में चल रहा है, जितना तुम सीख लोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार डिप्लॉयमेंट करना आना चाहिए। यार एक होता है ना, लोग रिज्यूमे पे प्रोजेक्ट डालते हैं, पहले तो गिटहब पे डाल रहे होते हैं, वहीं पर तुम रिजेक्ट हो जाते हो। यार अगर वो डिप्लॉयड नहीं है ना प्रोजेक्ट, कोई मजा नहीं आएगा किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी बड़ी कंपनी को कि यार इस बंदे को ओवरऑल डिप्लॉय करना नहीं आता। यार वर्सल जैसी चीज़ें, AWS जैसी चीज़ें आनी चाहिए, कैसे डिप्लॉय करते हैं बैकएंड का सर्वर, कैसे वहाँ थोड़ा सा लोड बैलेंसर संभालना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एडवांस चीज़ें सीखो, बट बेसिक सेटअप तो करना आना चाहिए। वर्सल पे कैसे फ्रंट एंड लगाते हैं, वर्सल पे कैसे फ्रंट एंड से तेज करते हैं चीज़ें, वर्सल पे क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, तो फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट वर्सल पे डालो, बैक एंड की डिप्लॉयमेंट AWS के थ्रू करो, बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी और तुम्हारा प्रोजेक्ट एक डिप्लॉयड होगा। लोग बोलते हैं कि भैया बहुत पैसे लग जाते हैं, अरे यार छोटे प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं लगते, फ्री में मिल जाता है AWS के क्रेडिट, ढंग से एक्सप्लोर करोगे तो कर लोगे, वरना तुम यार वही है कि यार अपनी रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रखोगे तो यार शॉर्टलिस्ट नहीं होगे। तुम एक समझो ना, अगर एक कंपनी के लिए तुमने एक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स है, वो तुम्हें क्यों नहीं करेगा शॉर्टलिस्ट। तुम औरों की तरह बच्चों की तरह प्रोजेक्ट दिखाते रहते हो, वो शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं। अगर क्वालिटी प्रोजेक्ट बनाओगे, डिप्लॉय करोगे, वर्सल पर AWS का यूज़ करना आता होगा, कंपनी को कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे ऊपर, राइट, कि हाँ ये बंदा पूरा आके हमारी चीज़ें संभाल लेगा, बैकएंड भी संभालेगा, फ्रंट एंड भी संभालेगा, इसको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी देते हैं। और यार इन सब चीज़ों के कॉरस्पॉन्डिंग अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो हमारा प्रोपियर्स प्लेटफॉर्म डेफिनेटली चेकआउट करो, वहाँ पर बहुत सारे रोड मैप्स हैं हर स्किल के कॉरस्पॉन्डिंग, मर्नस्टैक, DSA,
कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, हर स्किल के कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ रोड मैप्स हैं, वहाँ मेंटोरशिप्स हैं जहाँ तुम डिफरेंट मेंटर्स हु आर वर्किंग इन ग्रेट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज उनसे तुम इंटरेक्ट कर सकते हो, वन टाइम सेशन बुक कर सकते हो, 1:1 मेंटरशिप बुक कर सकते हो कि एक दो महीने के लिए हमें मेंटर चाहिए फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, उनको तुम बुकआउट कर सकते हो, बूट कैंप्स हो रहे होते हैं वहाँ पर, उनको तुम चेकआउट कर सकते हो। तो डेफिनेटली किसी भी स्किल में अपस्किल करना है तो प्रोपीस का प्लेटफॉर्म डेफिनेटली चेकआउट करना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। अब आगे चलते हैं और अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो अगेन मॉडर्न डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि यार चैट जीपीटी को यूज़ करना तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। पहले जो डेवलपमेंट होती थी बिना चैट जीपीटी के, तो हम स्टैक ओवरफ्लो का यूज़ करते थे, काफ़ी यूज़ करते थे एरर रिजॉल्विंग के लिए, लेकिन अब बिल्डिंग के लिए भी चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, खासकर HTML CSS तो चैट जीपीटी बहुत अच्छे से कर देता है। थोड़ा जावास्क्रिप्ट में भी उतना अच्छा नहीं है, रिएक्ट में उतना अच्छा नहीं है, नेक्स्ट जेएस में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो हमें चैट जीपीटी को स्मार्ट यूज़ करना आना चाहिए। मान लो तुमने कोई एक प्रोजेक्ट आइडिया पकड़ा, उसे कॉरस्पॉन्डिंग HTML CSS थोड़ा बेसिक तो बना लिया, लेकिन उसको अच्छे से करने के लिए हमने चैट जीपीटी का यूज़ कर लिया। यार ये ऐसा दिख रहा है, उसको जितना तुम ड्रिल डाउन करोगे, जितना अच्छे से तुम उन चीज़ों को सीखोगे, उतना अच्छा तुम्हारा क्वालिटी प्रोजेक्ट बनेगा। तो चैट जीपीटी को जितना तुम स्मार्टली यूज़ करना सीखोगे अपने प्रोजेक्ट में, जब भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, चैट जीपीटी को बहुत ज़्यादा अपना फ्रेंड बनाओ। वो तुम्हारे जितने डाउट्स क्लियर, वो जो तुम्हारा प्रोजेक्ट बिल्ड करेगा वो एक मॉडर्न डेवलपमेंट के थ्रू करेगा। उसको रिएक्ट पूरा नहीं आता, लेकिन तुम्हारे लिए काफ़ी सारा रिएक्ट का इजी कोड कर देगा। वो कॉम्प्लिकेटेड कोड तुम्हें लिखना पड़ेगा, बट रिएक्ट में थोड़ा सा बेसिक कोड सेटअप कर देगा, HTML CSS JavaScript के बेसिक चीज़ें कर देगा, कोड फटाफट से जो हमें लिखना होता है कि ऑन क्लिक पे ये करो, JavaScript में हमें डिफरेंट लिखना होता है कि यार प्रोमिसेस कैसे कॉल करना है, एसिंक अवेट कैसे कॉल करना है, कोड फटाफट से ठीक कर देगा, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से काम करो। तो जैसे पहले प्रोजेक्ट 3 महीने में बनते थे, अब 1.5 महीने में अच्छे से बन सकते हैं क्वालिटी प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी। तो हमें ये दिमाग में रखना है कि चैट जीपीटी को दोस्त बनाना है, वैसी डेवलपमेंट करनी है, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी। अब अपने लास्ट पॉइंट जो मैं कैटर करना चाहता हूँ, जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काम करने से रिलेटेड नहीं है, ये रीच आउट से रिलेटेड है। यार आज के डेट में ना लोग रीच आउट कैसे करते हैं, कंपनी का लिंक्डइन पे जॉब आई भी वहाँ अप्लाई कर देंगे, naukri.com पे अप्लाई कर देंगे। यार मैं तुम्हें बताऊँ, अप्लाई से जो परसेंटेज कन्वर्जन है ना बहुत ही कम है। हमें ना रीच आउट करना आना चाहिए, हमें राइट पीपल को रीच आउट करना आना चाहिए। और राइट पीपल को रीच आउट करने का मतलब क्या है, ये कंपनी में ओपनिंग है, उस कंपनी के रिक्रूटर्स और इंजीनियर्स को तुम मैसेज करो लिंक्डइन पे, और रीच आउट बिना प्रोजेक्ट के, बिना इनफ स्किल्स के रीच आउट नहीं करना है। जब तुम्हारे पास डिप्लॉयड प्रोजेक्ट आ जाएगा तो फिर अब तुम उनको रीच आउट करो, उनको एक मैसेज डालो कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मैंने स्किल्स यूज़ करी हैं, एंड ये आपकी कंपनी में ही ओपनिंग आई है, मैं इस कंपनी में रेफरल चाहता हूँ। वो तुम्हें रेफरल देंगे, वो अच्छे बंदे को रेफरल देना चाहते हैं, बट पहले अच्छा बंदा बनो, तो वो बनना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो तुम्हें रेफरल देंगे। और ऐसे तुम अगर 500 लोगों को रीच आउट करते हो इन अ मंथ, तुम्हारे को 50 लोगों से रिप्लाई आता है और हमें 5-6 इंटरव्यूज मिल जाते हैं इन अ मंथ, जो कि बहुत बड़ी बात है। बट ये रीच आउट करने का प्रोसीजर बनाना होता है, सुबह 1 घंटा बैठो, फेल के लोगों को रीच आउट करो 20 लोगों को, डेली 20 लोगों को रीच आउट कर लोगे, महीने में 600 लोगों को रीच आउट कर लोगे। तो ये प्रोसेस सिस्टमेटिकली डाउन टू अर्थ होकर रीच आउट करना होता है। जितना तुम रीच आउट करोगे, कोई ना कोई रिप्लाई करेगा, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे को इंटरव्यूज मिल जाते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो ये मैंने जो 5 चीज़ें बताई हैं बहुत अंडररेटेड हैं, बट अगर तुम ऐसे करोगे तो मर्न स्टैक डेड नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, बट अच्छे लोगों की कमी है। तो अच्छे लोगों की बनने की कोशिश करो। पहली चीज़ जो मैंने बहुत अच्छा बोला था कि बड़े प्रोजेक्ट बनाओ, इनफ थोड़े से अच्छे फीचर वाले प्रोजेक्ट। दूसरा, नेक्स्ट जेएस और टेलविंड सीएसएस को अपने स्किल सेट में डालो, दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। थर्ड वाज डिप्लॉयमेंट के स्किल्स आनी चाहिए, वर्सल और AWS यूज़ करना आना चाहिए, दिस विल रियली एड इन योर स्किल्स। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट था, कि हमें चैट जीपीटी को स्मार्टली यूज़ करना आना चाहिए। जितना हम कंफर्टेबल हो जाएंगे चैट जीपीटी से, उतनी हमारी अपॉर्चुनिटीज गोइंग फॉरवर्ड बढ़ सकती हैं, उसका ध्यान रखेंगे। और पांचवा जो था, रीच आउट बहुत अच्छे से करेंगे, प्रोजेक्ट के बिना रीच आउट नहीं करेंगे, बट जैसे ही प्रोजेक्ट आ जाता है हम रीच आउट करना स्टार्ट करेंगे, स्मार्टली करेंगे, रिक्रूटर्स को करेंगे, टेक्निकल लोगों को करेंगे। और ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हम एक अच्छे मर्न स्टैक डेवलपर बनते हैं, एक जॉब रेडी मर्न स्टैक डेवलपर बनते हैं। अब हमें आगे जो भी करना है वो हमें आता है, अब हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और कोई पॉइंट मैंने मिस करा है तो मुझे कमेंट से बताओ। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, दोस्तों की हेल्प करो, टाइम थोड़ा टफ चल रहा है, लेकिन अगर हम अच्छे से लगे रहेंगे तो चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। ओके, गुड लक।